नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। मनीष पॉल एक बेहतरीन भारतीय टीवी एंकर, आरजे, एक्टर हैं। मनीष को उनकी बेहतरीन होस्टिंग के लिए जी सिने अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आइए जानते हैं मनीष की अनसुनी कहानियां। दिखने में कूल एंड हैंडसम, स्टाइल मस्त, ये है छोटे पर्दे के बड़े स्टार मनीष पॉल। मनीष पॉल को आपने जबरदस्त एंकर करते देखा होगा। उनकी एंकरिंग के बड़े बड़े स्टार्स भी दीवाने हैं। मनीष टीवी के साथ साथ फिल्मों में भी एंट्री कर चुके हैं। बतौर एक्टर उनकी फिल्म आई थी मिकी वायरस। मनीष ने अपना करियर एक रेडियो जॉकी और वीडियो जॉकी के रूप में शुरू किया था। इसके बाद वो टीवी की दुनिया में आ गए और धीरे धीरे स्टैंड अप कॉमेडी करने लगे। मनीष पॉल का जन्म 3 अगस्त 1981 को दिल्ली में हुआ। मनीष पॉल एक बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मनीष ने अपनी शुरुआती पढ़ाई एपीजी स्कूल नई दिल्ली से की। मनीष ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। मनीष पॉल की शादी 2007 में बंगाली बाला संयुक्ता पॉल से हुई। मनीष ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो सिटी के आरजे के रूप में की थी। उसके बाद मनीष ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत घोस्ट बना दोस्त से की। उसके बाद मनीष ने तमाम सीरियल्स में छोटे छोटे किरदार निभाए, लेकिन मनीष को टीवी इंडस्ट्री में पहचान बतौर जी टीवी के शो सारेगामा पा छोटे उस्ताद शो से मिली। वो इस शो में बतौर टीवी होस्ट नजर आए। इसके बाद उन्होंने डीआईडी लिटिल चैंप झलक दिखला जा होस्ट किए। मनीष पॉल खुद को एक्टर, होस्ट और सिंगर कहलाने के बजाय एंटरटेनर कहलाना पसंद करते हैं। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऑलराउंडर के तौर पर देखे जाते हैं। उन्होंने एक्टिंग भी की तो हर कोई उनका कायल हो गया। अपनी होस्टिंग के सामने वो किसी को टिकने नहीं देते। इसके बाद सिंगिंग में सुर लगाए तो यूट्यूब पर भी उन्हें बहुत ज्यादा व्यूज मिलने लगे, साथ ही बहुत सारे लाइक्स बटोर लिए। जबरदस्त मूड बना तो गाना भी गा लिया। लोगों को एंटरटेन करने के लिए होस्टिंग की, एक्टिंग की और अब गाना भी गा दिया। उनका कहना था कि वो बस एक एंटरटेनर है। लोगों को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने होस्टिंग की, एक्टिंग की और गाना भी गाया। हालांकि वो गाने गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तौर पर उन्होंने पहली बार गाना गाया। अवार्ड नाइट्स में भी वो गाने गुनगुनाते रहते थे, पर उनका कहना है कि जब उन्होंने स्टूडियो में पहली बार गाया तो बहुत अच्छा फील हुआ उन्हें। मनीष ने टेलीविजन पर घोस्ट बना दोस्त, छूना है आसमान जैसे कई शोज दिए। इन्हें कर तो लिया पर मनीष को मजा नहीं आया। वो कुछ अलग करना चाहते थे, फिर होस्टिंग शुरू हुई। सारेगामापा, झलक दिखला जा करते करते होस्टिंग में नाम कमा लिया। बाद में एक्टिंग का मौका मिल गया। मिकी वायरस, तेरे बिन लादेन और बाबा ब्लैक शीप जैसी फिल्में की। शुरुआती दौर में मनीष क्लियर थे कि उन्हें हीरो ही बनना है। इसके लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। मुंबई गए और काम ढूंढना शुरू किया। ये दौर करीब 1 साल तक चलता रहा। 1 साल तक मनीष ने 1 भी रुपए नहीं कमाए। ऐसी हालत में उनकी वाइफ ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। उनका कहना है कि उस साल मेरी वाइफ ने काम किया और मैं घर बैठा रहा। मैंने कपड़े और बर्तन तक धोए क्योंकि मेट के भी पैसे नहीं होते थे। मेरी पत्नी टीचर है, मैंने उनसे कहा कि मेट का काम मैं कर लेता हूं, तुम पैसे कमा लो ताकि घर चल सके। वो वक्त वो था जब वो काफी फ्रस्ट्रेट हुआ करते थे, लेकिन वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर मनीष मानते हैं। उनका कहना है कि वो पीरियड मुझे डिप्रेस नहीं करता। मैंने उस वक्त को भी एंजॉय किया, बहुत सारी फिल्में देखी, कुल मिलाकर सब ठीक रहा। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। रियलिटी शोज के अलावा मनीष जियोग्राफिक शो साइंस ऑफ स्टूपिड में भी बतौर होस्ट नजर आ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्म अवार्ड शो को भी होस्ट किया। मनीष पॉल की बेहतरीन होस्टिंग के लिए 2011 में जी सिने अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मनीष पॉल ने टीवी शोज के अलावा कई फिल्मों में भी किस्मत आजमाई, लेकिन यहाँ उनकी किस्मत थोड़ा रूठी नजर आई। मनीष बतौर लीड एक्टर फिल्म मिकी वायरस में एली एब्राम के ओपोजिट नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। तो ये है मनीष पॉल की अनसुनी कहानियां। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।